नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज क्लिक पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस हफ्ते पॉइंट ऑफ व्यू के एपिसोड में बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी के बारे में आपने देखा कि किस तरीके से पंजाब में उनको एक प्रचंड बहुमत मिला। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं इस तरीके का वर्डिक्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो करिश्मा आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जीत के जरिए करके दिखाया है, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक जो राजनीतिक विकल्प आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी को दे सकती है। लोग इसको देख रहे हैं कि अब कांग्रेस खत्म हो गई है, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं लगता है वो खत्म हो गई हैं, और आम आदमी पार्टी क्या एक राष्ट्रीय स्तर पर अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट जमा पाएगा या नहीं जमा पाएगा, क्या चुनौतियां हैं आगे और किस तरीके से विचारधारा की लड़ाई आगे आम आदमी पार्टी लड़ेगा, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज क्लिक पर सर। जी नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन जो मेरा पहला सवाल है कि सर आम आदमी पार्टी की जो जीत थी, बहुत सारे लोग, मैं कैंपेन में भी गई थी पंजाब में और बहुत सारे लोगों ने उस समय भी कहा था कि अरे कुछ भी हो जाए लेकिन आम आदमी पार्टी को 80 से ज्यादा सीटें या 90 से ज्यादा सीटें तो नहीं मिलेंगी। एक ये अंडर करंट लोगों को समझ में आ रहा था, लेकिन लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, हो सकता है स्वीपिंग विक्ट्री मिले आम आदमी पार्टी को। तो क्या जो ये नंबर्स आम आदमी पार्टी को मिले हैं पंजाब में, आप इसकी उम्मीद वाकई में कर रहे थे कि इतना भारी बहुमत मिलेगा आम आदमी पार्टी? आप तो खुद ही कह रही हैं कि लोग कहते थे कि 80 से और 90 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, इसका मतलब लोग ये मान के चल रहे थे कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, और वही वहां पर हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस ने पंजाब में जमकर भ्रष्टाचार किया, रेते का भ्रष्टाचार हो, ड्रग्स का धंधा हो, तमाम चीजों में भ्रष्टाचार वहां जारी रहा, और जो वादा किया गया था पंजाब की जनता से कि हम ड्रग्स से नौजवानों को मुक्ति दिलाएंगे, हम एक बेहतर पंजाब बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे, रेता माफियाओं पे कार्रवाई करेंगे, वो 5 साल में किया नहीं कांग्रेस ने। दूसरी बात, 10 साल का शासन रहा अकाली दल का। अकाली दल के बारे में तो ये कहा जाता था कि उनके नेता जिस शोरूम पे बैठ जाते थे उसमें हिस्सा ले लेते थे, जिस ब्रेड की दुकान पे बैठ जाते थे उसमें हिस्सा ले लेते थे, जिस जमीन में चले जाते थे वो उनकी हो जाती थी। तो इस तरह से उन लोगों ने जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार किया। तो 10 साल का अकाली दल का कुशासन और 5 साल का कांग्रेस का कुशासन, ये सब मिलाकर लोग इतने ज्यादा पीड़ित थे कि उनको अरविंद केजरीवाल के मॉडल में भरोसा हुआ, उनको भगवंत मान में भरोसा हुआ, उनको आम आदमी पार्टी में भरोसा हुआ, और इतनी प्रचंड जीत उन्होंने दी। संजय जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने गवर्नेंस मॉडल बताया कि बिजली पानी सब आपने लोगों को दिया, लेकिन जो एक सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या आप एक आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव बीजेपी का बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी एक तरीके से जो एक आइडिया ऑफ इंडिया है उसका सम्मान करती हुई नहीं दिखती है। माइनॉरिटीज को फ्रीडम नहीं है, माइनॉरिटीज जरे हुए हैं, जो ये एक नैरेटिव बनकर उभर रहा है कि जो हमारे माइनॉरिटीज हैं वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। एक हिंदू मेजोरिटी नेशन बनाने की जब बात कही जाती है, या हम अगर ना भी बनाया जा रहा हो, एटलीस्ट हम उस दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसा आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव क्या बन पाएगा बीजेपी का, जहां पर सारे धर्मों के लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और हम सेक्युलरिज्म की बात कर सकें? देखिए, जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो ये कोई बीजेपी की देन थोड़ी है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की देन है। हमारे उस संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अगर कोई हमारे संविधान के खिलाफ काम करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम उसके खिलाफ एकता की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, देश को जोड़ने की बात करेंगे। उनका उनका उनकी आइडियोलॉजी क्या है? उनकी आइडियोलॉजी है, वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, ये हमारी आइडियोलॉजी है। तो हमारी आइडियोलॉजी है विकास की, हमारी आइडियोलॉजी है तरक्की की, हमारी आइडियोलॉजी है रोजगार देने की, हमारी आइडियोलॉजी है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देने की, हमारी आइडियोलॉजी है आम आदमी को राहत देने की, और उनकी आइडियोलॉजी है नफरत फैलाने की, देश में देश को तोड़ने की, देश में आपस में लोगों को लड़ाने की। तो इस आइडियोलॉजी को तो देश की जनता ही डिफीट दे सकती है। हम देश की जनता के सामने एक मॉडल रख रहे हैं और वो मॉडल हमारा सक्सेसफुल हो रहा है।
पंजाब में वो एक्सेप्ट किया गया, दूसरे राज्यों में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमें 2 सीटें मिली। तो अब ऐसे धीरे धीरे हमने 352 सीटों पे यूपी में भी चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा हमने। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा मॉडल है वो मॉडल एक्सेप्ट पूरे देश में किया जाएगा, और जहां भी लोग मन बना लेंगे एक बार कि आम आदमी पार्टी को लाना है, तो आप देखिएगा तिनका भी नहीं बचेगा। पूरी सफाई भी करते हैं हम लोग, ये बात मैं झाड़ू जब लगाते हैं तो झाड़ू से पूरा कमरा साफ करते हैं, एक तिनका नहीं छोड़ते। तो पांच पांच बार के मुख्यमंत्री हार गए देखिए पंजाब के अंदर, और पंजाब के मुख्यमंत्री मोबाइल की रिपेयरिंग करने वाले लाप सिंह से चुनाव हार गए, मोबाइल की रिपेयरिंग पे दुकान पे काम करने वाले नौजवान से, जिसकी माँ एक विद्यालय में सफाई कर्मी का काम करती है। आप सोचिए, ये है हमारा भारत का महान लोकतंत्र, जहां बड़े से बड़े सूरमाओं को, बड़े से बड़े राजाओं को आम आदमी के सामने झुकना पड़ता है। तो ये बात मैं आपकी सौंपी से भी मानती हूँ कि झाड़ू ने जिस तरीके से सफाया किया है, और खासकर कांग्रेस का पंजाब में, इससे कोई मुकर तो नहीं सकता है। लेकिन जो मेरा सवाल था संजय जी, कि बार बार केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, तो आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है उससे बहुत समानताएं लोग निकालने लगते हैं। अभी हाल में कितने पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि देखिए केजरीवाल जी भी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, शहीद भगत सिंह की बात करते हैं जो कि एक फ्रीडम, एक आइडिया ऑफ फ्रीडम की बात करते थे। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, समानताएं हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो आखिर ये बात क्यों कही जा रही है? नीलू जी, इस बात पे मुझे थोड़ा सा आपत्ति है, और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि आप जैसे लोग या तमाम वो बुद्धिजीवी जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या धर्म जो है वो अधर्मियों के लिए छोड़ दिया जाए? क्या धर्म प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन में चंदा चोरी करने वालों के लिए छोड़ दिया जाए? क्या धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के लिए धर्म छोड़ दिया जाए? क्या हिंदू धर्म को ऐसे लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाए जो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार और लूट पे लूट करते हैं, और जो नफरत फैलाते हैं, और जो समाज को बांटने का काम करते हैं? केजरीवाल जी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में जाते हैं, केजरीवाल जी हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, तो वो कहते क्या है? इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो ये जो कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि आप हिंदू धर्म के अच्छे पक्ष को सामने रखिए, और ये बताइए कि ये लोग जो हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, या ये जो हिंदू धर्म को बताने का काम कर रहे हैं, उसके नाम पे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये हमारा हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म है रामचरितमानस की वो चौपाई जो कहती है सब नर कर ही परस्पर प्रीति। हिंदू धर्म तो वो है कि अगर रामचरितमानस की इस एक चौपाई पे आप पूरा अपना जीवन बिता दें तो हिंदू धर्म में आपका पैदा होना सफल हो जाएगा। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, और ये तो सबके बीच में नफरत फैला रहे हैं। तो आप क्या ये चाहती हैं, या ये वो तमाम बुद्धिजीवी ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म को ऐसे अधर्मियों के भरोसे छोड़ दिया जाए जो चंदा चोरी करें राम के नाम पर, जो भ्रष्टाचार करें राम के नाम पर? बीजेपी अधर्मी है, बीजेपी चंदा चोर है, ये सब आप बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड इस बात को मानते हैं? ऑन रिकॉर्ड क्या, बड़े तो प्रमाण के साथ दिखाया कि चंदा चोर है लोग, इसमें कोई शक थोड़ी है। उनको तो जेल में होना चाहिए, अभी तक जेल गए नहीं वो लोग, चंदा चोर है। मतलब आज ये हालत हो गई है भाजपाइयों की कि आप देखिए वहां पे 2 का 18 कर रहे हैं, 7:10 पे 2 करोड़ में प्रभु श्री राम के नाम पे जमीन खरीदी, और 7:15 पे उसको 18 करोड़ में बेच दी। 16 करोड़ रुपए की कमाई की 5 मिनट में इन्होंने। तो ये तो मैंने प्रमाण के साथ कहा है, ये तो कोई छिपी चीज नहीं है। तो जो ये जो हिंदू धर्म की आपने बात कही, उससे मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जब आम आदमी पार्टी ने अपना इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन शुरू किया था, तो भ्रष्टाचार एक
बड़ा आधार था जिसके बेसिस पर ये पार्टी ने पूरा जो कैंपेन है वो आगे बढ़ाया, उसी आधार पर ये पार्टी बनी। अब जब पार्टी, आम आदमी पार्टी जब हिंदू धर्म की इस तरह से बात करने लगती है तो ऐसा लगता है कि आप बीजेपी के सुर में सुर एक तरीके से मिला रहे हैं, या अगर एग्जैक्टली मैं ये फिगर, अगर एक फ्रेज ना यूज करूं तो आप एक हिंदुत्व का अल्टरनेटिव मॉडल लोगों को दे कैसे रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं वो तो बताइए, कैसे मिला रहे हैं? क्या वैलेंटाइन डे पे, एक मिनट, क्या वैलेंटाइन डे पे तिरंगा हाथ में लेके आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किसी पार्क में घुस के बच्चे बच्चियों को पीटता है क्या? क्या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हिंदू धर्म की बात करके हनुमान मंदिर में जाके दंगे कराता है क्या? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के नेता नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं क्या? आप कैसे ये बात कह सकते हैं? हिंदू धर्म एक अच्छा पक्ष जो उसका है, आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर लोहिया नास्तिक थे लेकिन वो रामायण मेला का आयोजन करते थे, प्रख्यात समाजवादी नेता, और वो कहते थे रामायण के अच्छे पक्ष को लोगों के सामने रखो और उसका प्रचार करो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी धर्म को मानने लगे तो आप जो है वो कम्युनल हो गए या कट्टरवादी हो गए या धर्म के नाम पे दंगा। एक तरफ तो वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे हिंदू धर्म को बदनाम करने का और दंगे नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक तरफ केजरीवाल जी हैं जो हिंदू धर्म को भी मानते हैं, मंदिर भी जाते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ते हैं। आपने कहा ना भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई, कौन लड़ रहा है आप मुझे बताइए? कल हमारा बजट आया, 75,000 करोड़ रुपए का बजट है, जब हम आए तो 30,000 करोड़ का बजट था, 2.5 गुना हमने अपना बजट बढ़ाया दिल्ली के अंदर 7 साल में, और 22-23% हम बजट अपना दे रहे हैं शिक्षा के ऊपर, 13-14% हमारा बजट जा रहा है स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली पे हम बजट दे रहे हैं, पानी पे हम बजट दे रहे हैं। संजय जी, तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी को इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हम हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन हम साथ में शासन भी करेंगे और भ्रष्टाचार को दूर करने की भी बात करेंगे। ये सबको कहना चाहिए, हम लोग पैदा जिस धर्म में हुए हैं हम क्या कह दें कि नहीं हम अपने धर्म की बात नहीं करेंगे, हम कुछ गुंडे टाइप के लोगों को छोड़ देंगे कि वो धर्म के नाम पे गुंडागर्दी करें, आप ये कहना चाहती हैं? हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे हाँ हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हमारा धर्म वसुदेव कुटुंबकम का धर्म है, हमारा धर्म सब नर करें ही परस्पर प्रीति का धर्म है, हमारा धर्म राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का धर्म है, हमारा धर्म सर्वधर्म सद्भाव का धर्म है, हमारा धर्म भाईचारे का धर्म है, एकता का धर्म है, हमारा धर्म प्रेम और अहिंसा का धर्म है, हम तो ये कहेंगे, इसमें बुराई क्या है? ये जो एक हवा खड़ा कर दिया गया है कि धर्म के असली ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है, जो बेरोजगारी भी देंगे, जो महंगाई भी देंगे, जो भ्रष्टाचार भी करेंगे, जो गुंडागर्दी भी करेंगे, जो नफरत भी फैलाएंगे, जो दंगे भी कराएंगे, जो देश के टुकड़े भी करेंगे, जो देश को लूटेंगे भी, हिंदू धर्म के असली ठेकेदार तो वही हो सकते हैं। आप लोग कौन होते हैं हिंदू धर्म की बात करने वाले? हमसे बहस करें ना, भाजपाइयों को बैठा लिए, मैं उनसे पूछता हूँ हिंदू धर्म क्या है। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही अकेले धर्म की ठेकेदार नहीं है, यानी कि एक अल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी भी है और एक ऐसे हिंदुत्व की बात करती है आम आदमी पार्टी। हमारा बेहतरीन शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी का मॉडल है और उसके साथ हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सबके बीच हम भाईचारे की भी बात करते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया वो धर्म निरपेक्षता की बात करता है, हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में सेकुलरिज्म में यकीन भी रखते हैं। ये है हमारा। सर जी, अब 2024 भी ज्यादा दूर नहीं है, नेशनल इलेक्शंस हैं और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की जो जीत पंजाब में हुई है उसके बाद लोग सब ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस। तो क्या कोई ऐसी संभावना आप देख रहे हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट साथ आ जाए, एक फ्रंट बनाए जो कि वाकई में बीजेपी से स्ट्रेटजी में, रणनीति में और हर तरीके से वो बीजेपी से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि बाकी जो पार्टी है वो केंद्रीय पार्टी से। जी, इस पे पार्टी क्या राय रखती है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहती हैं तो मैं वो जरूर आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही आप कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ हम लामबंद हो रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हम इकट्ठा हो रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए हम एक साथ आएंगे, वैसे ही बीजेपी और मजबूत होती है और जनता के बीच में रोने लगती है। हमारे प्रधानमंत्री जी रोने में तेज है ही हैं,
वो रो रो के, देखो सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए हमको तो सब हराने के लिए, तो वो विक्टिम प्ले करते हैं उस पे। उस गेम में नहीं फंसना चाहिए, जिसकी जहां ताकत है वहां उनको हराए बीजेपी को, कौन रोक रहा है? बंगाल में हराया ना ममता जी ने, अच्छी बात है। दिल्ली में 3 बार से केजरीवाल जी हरा रहे हैं, एक बार स्कूटर पार्टी बना दी, दूसरी बार इनोवा पार्टी बना दी भाजपाइयों को, फिर अभी पंजाब में हराया भाजपाइयों को 55 सीटों पे जमानत जब्त हुई, 73 पे लड़े थे भाजपाई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। तो जनता के बीच में जाइए, अपनी बातें कहिए, सभी वर्गों का वोट लीजिए। आपने देखा नहीं यूपी में क्या हुआ? कई दलों को अखिलेश यादव जी ने अपने साथ लिया, कई पार्टियों को मिलाया, 3 प्रयोग कर चुके अब तक। 17 में किए कांग्रेस को लेके फेल, 19 में किए बीएसपी को लेके फेल, और अभी सभी दलों को एक साथ लेके किया उन्होंने प्रयोग, इसी धारणा के तहत जो आपने कहा, लेकिन वो सफल नहीं रही और आगे भी सफल नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे फ्रंट का, अगर कोई ऐसा फ्रंट बनाने का प्रयोग होता है तो कोई भी फ्रंट ऐसा कामयाब नहीं होगा और उसे मोदी जी को अभी फिलहाल यही लगता है, अभी फिलहाल यही लगता है कि इस प्रकार के फ्रंट जो है वो बीजेपी को फायदा देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जो रोने में जिनको मास्टरी हासिल है, वो इसी बात पर रोते हैं कि सारे हमारे खिलाफ इकट्ठा हो गए, सब इकट्ठा हो गए। और दूसरी बात, जब तक ये मैसेज लोगों के बीच में जाएगा कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, तब तक भी बीजेपी का फायदा है, बीजेपी इस चीज का भी फायदा खूब बनाती है। तो इसलिए मुस्लिम समुदाय के बीच में भी इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, बिजली के नाम पे, अच्छे मॉडल के नाम पे, देश की तरक्की के नाम पे उनका मतदाता वर्ग वोट देने के लिए तैयार हो। और जैसे ही ये प्रचार होता है कि सारे मुस्लिम इकट्ठा हो गए बीजेपी को हराने के लिए, उसका बहुत अच्छे से लाभ बीजेपी उठाती है। ये 2-3 चीजें मोटे तौर पर हमें समझने की जरूरत है। वो पूरे देश में कहते हैं देखो साहब मुसलमान हमारे खिलाफ इकट्ठा हो गए, हिंदू हो तुम इकट्ठा हो जाओ। इस राजनीति को हमें बंद करना पड़ेगा। आप मॉडल की बात कीजिए, आप शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, तरक्की की, विकास की, एकता की, भाईचारे की, प्रेम की, अहिंसा की, इसकी बात कीजिए जिससे देश का भला हो। उसका कोई जवाब नहीं ना उनके पास उसका। आप बताइए, देश में महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था 10.5% 10.70% दवाओं के दाम बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पैरासिटामॉल से लेकर जिंदगी के लिए तमाम जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने जा रहे हैं। कहीं चर्चा हो रही है इस पे? कहीं चर्चा हो रही है? 3.20 रुपए डीजल के दाम बढ़ चुके, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके, कहीं चर्चा हो रही? हर दिन 80 पैसे 50 पैसे दाम बढ़ते जा रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है क्या? नहीं हो रही है। किस पे बात हो रही है? किस पे बात हो रही है? कश्मीर फाइल्स पे बात हो रही है। कश्मीर फाइल्स पे तो आप तो दूरदर्शन में काम कर चुकी है, दूरदर्शन पे लेके दिखाना चाहिए सबको, 2-2, 3-3 बार सरकार को बिल्कुल दिखाना चाहिए। और आपने देखा नहीं, मैंने पार्लियामेंट के अंदर केजरीवाल साहब ने कहा सदन में कि भाई तुम रात भर पोस्टर चिपकाते रहते हो, तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होती है भाजपाइयों, वो लोग सोचते हैं तुम विधायक हो, तुम पोस्टर चिपकाने का काम कर रहे हो। अरे भाई, एक फिल्म को सबको दिखाना है, यूट्यूब पे डाल दो, फ्री में देख लेंगे लोग, दूरदर्शन पे 2-2, 3-3 बार दिखाओ फिल्म को। लेकिन प्रधानमंत्री का काम रोने के अलावा, रोना आपको आता है रोइए, हम रोना नहीं कर रहे हैं, आपको रोना आ जाता है कभी कभी आप रोइए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। और कम से कम कश्मीर पंडितों की पीड़ा पे अगर आंख में आंसू आ जाए तो ये एक संवेदना की बात मैं मानता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप रोते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। 89 में जब कश्मीरी पंडितों को पीट पीट के भगाया गया तो कौन था केंद्र की सत्ता में? भारतीय जनता पार्टी थी, बीपी सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में थी। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया मार मार के, पीट पीट के, उस वक्त वहां पे राज्यपाल कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता जगमोहन वहां पे राज्यपाल थे, और वो केंद्र में अब वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी बाद में बने। आप मुझे बताइए, आप जब वक्त था आपने कुछ बोला नहीं, चलो ठीक है नहीं बोला, 7 साल से आप प्रधानमंत्री हो, उसके बाद भी आपकी कई सरकारें बनी, 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं देश के, और आप कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या करते हैं बताइए आप? ये खाली मतलब महंगाई से ध्यान भटकाना, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना, अशिक्षा से ध्यान भटकाना,
दवाओं के दाम महंगे कर रहे हो, उससे ध्यान भटकाना। चर्चा किस पे कर रहे हो आप? सारे टीवी चैनल लगे हुए कश्मीर फाइल्स पे। कश्मीर फाइल्स की चर्चा के बजाय चर्चा ये होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास करने के लिए हमारी सरकार ने किया क्या पिछले 7 वर्षों में, इसका हिसाब किताब करिए ना। संजय जी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चिंता जो कि मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी कि इससे आपकी पार्टी कैसे निपटेगी। हर जगह जो जमीनी मुद्दे हैं, दवाइयों के दाम, महंगाई, पेट्रोल डीजल, इस पे कोई चर्चा हो नहीं रही है। अब मीडिया का जब एक बड़ा तबका सिर्फ इसी चीज पर ही चर्चा करेगा कि देखिए कश्मीर फाइल्स के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से हिंदू कश्मीरी पंडितों को मारा गया है, बाकी मुद्दे उनके लिए मुद्दे ही नहीं है, तो इसको आपकी पार्टी कैसे हैंडल करेगी ये चीज? बिल्कुल समझ में आया। देखिए, कष्ट सहने की भी एक सीमा होती है, तकलीफ सहने की भी एक सीमा होती है। वो जब पीर पर्वत बन जाती है तो फिर उसके बाद आदमी को सोचना पड़ता है, कोई दूसरा चारा होता नहीं। तो इसलिए महंगाई हो, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य की बदहाली हो, इन चीजों से लोग इतना पीड़ित हो चुके हैं कि अब धीरे धीरे करके वो इस आइडियोलॉजी से और इस राजनीति से बाहर निकल रहे, वो गवर्नेंस के नाम पर वोट करने के लिए बढ़ रहे। पंजाब इसका उदाहरण है। तो ये होगी, दूसरे राज्यों में भी होगी, देश में भी होगी। अब केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित हो चुके हैं पूरे देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फुटप्रिंट आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिल जाएगा। उनको चाहने वाले लोग, उनको पसंद करने वाले लोग, उनके उनके मॉडल का एप्रिसिएट करने वाले लोग मिल जाएंगे। बीजेपी के बराबर कब तक पहुंचेगी आम आदमी पार्टी, मुझे ये बताइए। देखिए, हम तो बहुत जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं। 10 साल में 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, ये मामूली उपलब्धि नहीं है। एक राज्य में हमारी 2 विधानसभा की सीट आ गई, मामूली उपलब्धि नहीं है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, हो सकता है झाड़ू पूरे देश में चल जाए। ये तो देश की जनता है, महान जनता है, ये जब जिसको चाहती है अर्श पे पहुंचा देती है, जब जिसको चाहती है फर्श पे पहुंचा देती है। आप तो याद कर रही होंगी नीलू जी, 2015 में हमें क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? कहा था ये बदनसीब है, इसको वोट मत देना, केजरीवाल तो बदनसीब है। जनता ने कहा नसीब हम लिखते हैं, तुम नहीं प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने नसीब लिख दिया, 3 सीटें दी बीजेपी को और 67 सीटें दी अरविंद केजरीवाल को। तो लोकतंत्र में और राजनीति में नसीब लिखने का काम इस देश की महान जनता करती है। ठीक है, वक्त लग रहा है, लेकिन 10 साल में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है 2 राज्यों में सरकार बनाना। एक लास्ट सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोने की आदत है और रोने जब वो रोते हैं तो लोगों की सिंपथी उनको मिल भी जाती है, क्योंकि तो जो रोने वाला मॉडल है, क्या कभी ना कभी आपको लगता है आम आदमी पार्टी भी इस तरीके से फोर्स हो जाएगी या करने के लिए मजबूर होगी कि हो सकता है हम केजरीवाल जी को भी रोते हुए कहीं देखे किसी ना किसी मुद्दे पर? देखिए, कश्मीर फाइल्स पर रोना एक स्वाभाविक हो सकता है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उस पिक्चर को देखेगा तो रोना आ जाएगा, उस पर मेरी आपत्ति बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अगर कश्मीर फाइल्स देख के रोना आया तो वो स्वाभाविक है, वो उनकी संवेदनशीलता का प्रतीक है। लेकिन कोरोना के समय में लाखों लोग देश में मर रहे हो और आप बंगाल में प्रचार कर रहे हो और 4 महीने के बाद आप प्रकट होके आप अपने आंख में आंसू लेके और रोने की नौटंकी करें, तो ये स्वीकार नहीं। नोटबंदी में देश तबाह हो गया और तब आप रो रहे हो, तो ये स्वीकार नहीं है, वो नौटंकी लगती है। तो रोने का भी सही और उचित कारण होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कश्मीरी पंडितों की हालत जो उस फिल्म में दिखाई गई उसको देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति रो सकता है, रोना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप प्रधानमंत्री है देश के, आपको कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए एक योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। हमने दिल्ली के अंदर उनको एज रिलैक्सेशन से लेके तमाम चीजों में रिलैक्सेशन देके जो कश्मीरी पंडित टीचर्स थे उनको परमानेंट करने का काम किया, रेगुलराइज करने का काम किया दिल्ली के अंदर। तो आप फैसले लीजिए ना, कुछ काम कीजिए। आप नाटक करते रहते हैं, उससे क्या हासिल होगा बताइए आप? महंगाई से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए संजय जी, थैंक यू सो मच न्यूज क्लिक के साथ आप जुड़े और आपके बेबाकी के सब कायल रहते हैं, मैं भी कायल हूँ उसकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।